स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ हमने 10th क्लास में भी किया था। उसमें क्या कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा और बाकी की फिजिकल कंडीशन भी सेम है, तो हमारा जो करंट है किसी रजिस्टर में, किसी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्टेज के। जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे करंट भी बढ़ेगा। और कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर? आर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की होती है जो वो करंट को अपोज करने की उसकी प्रॉपर्टी है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट होगा। रेजिस्टेंस के जो सिंबल होते हैं, इस तरह से हम रेजिस्टेंस को शो करते हैं, इस तरह से बॉक्स की शेप में भी कर देते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये आप कैसे भी शो कर देते हैं, इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टर को शो कर देते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो अलग अलग टाइप्स के जो रेजिस्टर हैं वो आप देख सकते हो। इसमें बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं ये जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं, ये कलर वाले, ये जो हैं ये चावल के दाने जितने छोटे होते हैं, थोड़े से चावल के दाने से लगा लो बड़े होंगे, इतने साइज़ के होते हैं छोटे छोटे। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में सभी में यूज़ होते हैं। रेजिस्टेंस जो होती है ये कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना मोटा कंडक्टर होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो जितनी मोटी वायर होगी उतनी रेजिस्टेंस उसकी कम होगी, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर सकेगा। यहाँ पर ये जो हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए जो सिंबल लगाते हैं रो का, ये क्या होती है? रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल की, हमारे गिवन कंडक्टर की लेंथ, शेप, साइज पे डिपेंड नहीं करती, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है और ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसकी लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम ओम मीटर में मेज़र करते हैं, ओम मीटर। रेजिस्टेंस जो होती है ओम में मेज़र करते हैं हम। बड़ी यूनिट्स जो होती हैं किलो ओम, मेगा ओम होती हैं, छोटी आपकी मिली ओम होती है। इसी तरह रेजिस्टिविटी ओम मीटर में मेज़र करते हैं। यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट बन जाती है ओम, ए इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, बटा में मीटर, तो ओम मीटर। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपको कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है? किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया होती है करंट डेंसिटी, जे से इसको डिनोट करते हैं, वेक्टर का साइन भी लगाते हैं जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं। जे इज इक्वल टू आई बाय ए एन। अगर मान लीजिए ये एरिया जो है हमारे चार्ज के फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं रखा हुआ, थोड़ा किसी एंगल पे है, तो एरिया वेक्टर भी उधर की तरफ बनेगा। फिर एरिया वेक्टर का जो उसके नॉर्मल कंपोनेंट होगा एरिया के, उसको हम लेंगे ए एन। ए एन क्या होगा? ए कोस थीटा। तो आई बाय ए कोस थीटा। जे जो होते हैं करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। इसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं हम। करंट के लिए एम्पियर डिवाइड बाय एरिया है, तो वो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई को इधर रखेंगे, जे ए कोस थीटा, जे डॉट ए भी लिख सकते हैं इसको, करंट को। करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जे जो करंट डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी क्या है हम वेक्टर मानते हैं, उसके परपेंडिकुलर जो हम एक वेक्टर लेते हैं वो। इंटीग्रेशन की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जे डॉट डी एस। डी एस क्या है? हमारे गिवन एरिया का स्मॉल एलिमेंट, तो इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे एरिया के लिए। करंट डेंसिटी याद रखना, इसको यूनिट याद रखना, ये टर्म हमारी यूज होगी कई कंसेप्ट को समझने में। कंडक्टेंस होती है रेजिस्टेंस का ऑपोजिट। 1/R क्या होती है? कंडक्टेंस। जी से डिनोट करते हैं इसको। इसकी SI यूनिट पर ओम होती है, या महो, पर ओम भी लिख सकते हो, महो भी लिख सकते हो, साइमंस भी लिख सकते हो कैपिटल S से।
ज़्यादातर साइमंस ही लिखते हैं, कई बार मोहो भी लिख देते हैं, पर ओम कम यूज़ होता है। साइमंस कैपिटल एस कंडक्टेंस की यूनिट है। कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होती है। इसकी यूनिट भी रेजिस्टिविटी की ऑपोजिट साइमन पर मीटर या महो पर मीटर या पर ओम पर मीटर, ज़्यादातर साइमन पर मीटर या महो पर मीटर यूज होता है। ओम्स ला हमारे पास होता है वी इज इक्वल टू आई आर, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इंटू एल, वी की जगह ई इंटू एल रख देंगे। आर का हमने अभी फॉर्मूला किया है, रो एल बाय ए होता है, तो यहाँ पर आर को रो एल बाय ए रख देंगे। आई बाय ए क्या होता है, जे, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, एल से एल कैंसिल, ई इज इक्वल टू जे रो। इसमें ई जो है ये भी एक वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, जे जो है करंट डेंसिटी हमने अभी किया है वो भी वेक्टर होती है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू रो जे वेक्टर। ये आपकी ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पर आप जे को ई बाय रो लिख सकते हो, वन बाय रो क्या होता है, सिग्मा, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी आपकी क्या है, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। तो इस इक्वेशन को याद रखना है, ये यूज होगी डायरेक्ट आपकी, आपको डिराइव करने को भी कह सकते हैं, जैसे ये इसमें मैंने कर रखा है ऐसे डिराइव करने को भी कह सकते हैं। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म डिराइव कीजिए, दो नंबर में दे सकते हैं, तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं रेजिस्टिविटी की बेस पे। कंडक्टर जो होते हैं इनकी बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है, 10 रेज पावर माइनस 8 ओम मीटर से लेकर 10 रेज पावर माइनस 6 ओम मीटर तक होती है। इंसुलेटर्स की बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है, 10 रेज पावर 4 ओम मीटर से ज़्यादा ही होती है। और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो इनके बीच में होते हैं, 10 रेज पावर माइनस 6 ओम मीटर से लेकर 10 रेज पावर 4 ओम मीटर, इसके बीच में जो रेजिस्टिविटी होती है वो सेमी कंडक्टर्स की होती है। तो ये आपको रेंज याद रखनी है तीनों के लिए, पूछी जा सकती है एक नंबर में किस रेंज में होती है रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स की, इंसुलेटर की या सेमी कंडक्टर्स की। ये आपकी बुक में टेबल दे रखा है, इस टेबल को अच्छे से स्टडी करना है। जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, आयरन, ये मेटल हैं आपके, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। नाइक्रोम और ये मैंगनीन, ये अलॉय आ गए आपके, इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है रेजिस्टिविटी एज कम्पेयर टू मेटल। ये इस तरफ क्या दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशेंट, टेम्परेचर कोफिशेंट ये पॉजिटिव है इनका, और टेम्परेचर कोफिशेंट का मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब है टेम्परेचर कोफिशेंट, टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। अब ये ऊपर मेटल्स का ज़्यादा है तो इनकी ज़्यादा बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ, एलॉयज का थोड़ा कम है टेम्परेचर कोफिशेंट तो इनकी बढ़ेगी लेकिन थोड़ी कम बढ़ेगी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ। ये आगे सेमी कंडक्टर्स हैं, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकन, इनकी जो रेजिस्टिविटी है बहुत कम इनकी एज़ कम्पेयर टू जो कंडक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इंसुलेटर से बहुत कम है। और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेजिस्टिविटी जो है डिक्रीज होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है इनका, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी कंडक्टर्स की, सेमी कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसको डिटेल में हम आगे भी करेंगे, अभी के लिए आप इतना याद रखना इसको। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है, 10 रेज पावर 5 यानी 10 रेज पावर 4 से ज़्यादा ही होती है। तो ग्लास, हार्ड रबड़, इनकी देखिए 10 रेज पावर 10 से लेकर 14 तक, तो बहुत ज़्यादा इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। ये टेबल को अच्छे से स्टडी करना। उसके बाद आपके पास कमर्शियल जो रेजिस्टर होते हैं दो तरह के होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं, और वायर बाउंड रेजिस्टर जो होते हैं उनमें वायर यूज़ करते हैं हम किसी भी अलॉय की, नाइक्रोम की, मैंगनीन की या कॉन्स्टेंटन की, उसकी पर्ट लंबी लेंथ ले लेते हैं, जितनी रेजिस्टेंस चाहिए होती है उतनी लेंथ ले लेते हैं। और इनका एक फ़ायदा ये है कि ये टेम्परेचर से इनसेंसिटिव होते हैं, मतलब टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से इनके रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लंबी वायर जितनी ज़्यादा लेंगे, जितनी हाई रेजिस्टेंस बनानी है वायर उतनी लंबी लेनी पड़ेगी, तो वो फिर ज़्यादा बड़े होते जाएंगे। फिर हम कार्बन रेजिस्टर यूज़ करते हैं, कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं वो कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन बाइंडर उससे बनते हैं मिक्स करके उनको,
और इनको प्लास्टिक जैकेट या सिरेमिक के केस के अंदर इनको रखते हैं। इनके ऊपर कलर कोड होते हैं, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो कलर होते हैं। कलर से हम इनकी रेजिस्टेंस को जो है वो चेक करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। पिक्चर में आप देख सकते हो कार्बन रेजिस्टर है, ये दो टाइप के रेजिस्टर हम यूज़ करते हैं हमारे, जो ज़्यादातर ये कार्बन रेजिस्टर ही यूज़ होते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस चाहिए हो तो ये छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, और ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वाले भी बन जाते हैं, कम रेजिस्टेंस वाले भी बन जाते हैं, बनाने आसान हैं और ज़्यादा बड़े नहीं होते। हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सभी में रेजिस्टर्स यूज़ होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे हमारे कार्बन रेजिस्टर के कलर कोड की। तो पहले आपको कलर के कोड याद करने होंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, 0, 1, 2 से लेकर 9 तक, और एज अ मल्टीप्लायर भी इनकी वैल्यू 10^0, 1, 2 से लेकर 9 तक। इसको याद करने के लिए आपको ये एक्रोनिम याद करना पड़ेगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। बीबी ब्लैक ब्राउन, रॉय रेड ऑरेंज येलो, ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन ब्लू, वेरी गुड वाइफ मतलब वायलेट, ग्रे और वाइट। इस तरह से आपका रजिस्टर होगा, या तो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। तीन कलर होंगे, पहला कलर पहली सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा, दूसरा कलर दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा कलर जो होगा डेसिमल मल्टीप्लायर, जो 10 की पावर में लिखना है हमने। अगर इस तरह का रजिस्टर है तो उसकी बॉडी का कलर आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा, जो एंड का कलर है, एंड का कलर अलग होगा, वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा, जो डॉट है वो 10 की पावर बताएगा, और रिंग जो है वो टॉलरेंस बताएगा। टॉलरेंस मतलब अगर गोल्ड कलर है यहाँ लास्ट में इसमें या इसके रिंग में, तो 5% वैल्यू जो है ऊपर नीचे हो सकती है। मान लीजिए आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है, तो जब आप उसको मल्टीमीटर से मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू 95 से 105 तक हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा है 105 से, या 95 से कम है, 80 है या 120 है, तो वो ख़राब है रजिस्टर। सिल्वर का मतलब 10% टॉलरेंस, मतलब उसकी वैल्यू 10% ऊपर नीचे हो सकती है। और नो कलर मतलब 20% टॉलरेंस, उसकी वैल्यू मान लीजिए 100 ओम का रजिस्टर है तो 80 से 120 के बीच में कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको बुक में एग्जांपल दे रखा है, ये रजिस्टर है, इसमें कलर क्या है, रेड 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 और सिल्वर। रेड का कोड कितना है, 2 है, 2 2, पहली सिग्निफिकेंट फिगर 2, दूसरी भी 2, और तीसरी क्या है, 10 की पावर में 2, तीसरी जो होती है हम 10 की पावर में रखते हैं। और सिल्वर कलर टॉलरेंस के लिए है 10%, प्लस माइनस 10% इसकी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें आप देख सकते हो रेजिस्टेंस, इसमें कलर क्या क्या बता रखे हैं, येलो, वायलेट और ब्राउन और गोल्ड। येलो मतलब 4, पहली सिग्निफिकेंट फिगर 4, वायलेट 7, और फिर ब्राउन है, ब्राउन मतलब 10^1, और गोल्ड मतलब प्लस माइनस 5%। तो ये इसके रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपको इस तरह से बॉडी का कलर कितना दे रखा है, येलो है, येलो मतलब 4, एंड्स का कलर वायलेट है, ये वाले एंड का कलर वायलेट है, 7, वायलेट मतलब 7, और डॉट जो है ऑरेंज कलर की है, मतलब 10^3, और रिंग जो है सिल्वर कलर की, प्लस माइनस 10, तो 47 की लो ओम रेजिस्टेंस होगी उसकी। इस तरह से आपको गिवन कलर कोड से आपकी रेजिस्टेंस जो है आपको मेजर कैलकुलेट करनी है आपके कार्बन रेजिस्टर की। तो इस दो तरह की शेप्स में आपको दे सकते हैं, आपको ये कोड सारे याद होने चाहिए, पहली सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरी 10 की पावर के लिए होती है, और ये टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस में गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और अगर कोई कलर नहीं दे रखा तो 20%। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, 2 mA का करंट पास हो रहा है एक कार्बन रेजिस्टर से, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड रिंग क्या है, येलो, ग्रीन और ऑरेंज, उसमें से वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी। वोल्टेज क्या होती है, I × R। I हमें दे रखा है 2 mA, R हमें इन कलर कोड से निकाल लेंगे। येलो के लिए 4 कलर होता है, 4, ग्रीन के लिए 5,
और थर्ड कलर क्या होता है 10 की पावर के लिए, ऑरेंज मतलब 10 की पावर 3, तो ये इसकी रेजिस्टेंस होगी। तो I इंटू R करेंगे 2 mA इंटू गिवन रेजिस्टेंस, तो 90 वोल्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लैंप है, उस पर रीडिंग लिख रखी है कि वो 80 वोल्ट पे चलेगा, 10 एम्पियर करंट चाहिए उसके। हमने हमारी सप्लाई 240 वोल्ट की है, तो हम कैसे लगाएं उसको कि हाँ वो ख़राब ना हो, तो हम उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगा देंगे। अब इसको तो 80 वोल्ट चाहिए, 10 एम्पियर करंट चाहिए, जो बाकी की वोल्टेज है, ये लैंप है हमारा ये लैंप है, ये गलती से ये लैंप बन गया, आप इसको लैंप मानिए, ये लैंप है और 80 वोल्ट इसको चाहिए, 10 एम्पियर करंट चाहिए, तो बाकी की ड्रॉप वोल्टेज हमने यहाँ ड्रॉप करानी है, इसको रेजिस्टर मान लीजिए, रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप करानी है 160 वोल्ट, 240 - 80 160 वोल्ट, और करंट कितना, करंट सीरीज में सेम ही होगा तो 10 एम्पियर करंट है। अब इसकी V इतनी चाहिए, I इतना आना चाहिए इसमें, तो R कितनी हो जाएगी इसकी 160/10 यानी 16 ओम। तो हम इस लैंप के साथ सीरीज में एक 16 ओम का रेजिस्टर लगा देंगे, उससे फिर क्या होगी, हमारी जो बाकी की 160 वोल्ट है वो रेजिस्टर के अबाउट ड्रॉप हो जाएगी और लैंप को सिर्फ 80 वोल्ट और 10 एम्पियर का करंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक वायर है 10 ओम की, उसको हमने खींच दिया और उसकी 3 गुना लेंथ कर दी खींच के, उसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी और उसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी ये बताना है। अब रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी। अब उसकी लेंथ हमने खींची है तो एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, उसकी मोटाई कम हो जाएगी, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ और नया एरिया इंटू नई लेंथ, नई लेंथ क्या है पुरानी लेंथ की 3 गुना, यहाँ से एल कैंसिल, तो नया एरिया कितना आ जाएगा, पुराने एरिया का 1/3, तो नई रेजिस्टेंस कितनी आएगी, रो एल डैश बाय ए डैश, नई लेंथ कितनी है पुरानी लेंथ का 3 गुना, नया एरिया कितना है ए बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 3×3=9, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए क्या है हमारी पुरानी रेजिस्टेंस और वो कितनी दे रखी है 10 ओम, तो यहाँ 10 रखेंगे तो नई रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 90 ओम। इस तरह से आपको क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएंगे और आपने कोड्स याद करने हैं और इनके क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनको ट्राई करना है।